कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई गजब हो गया। अतुल भाई गजब हो गया। अतुल भाई बाहर आकर देखो तो सही। क्या हुआ कल्याण जी भाई? अरे क्या हुआ क्या, नोटिस लग गई, 24 घंटे में बस्ती खाली करनी पड़ेगी। बस्ती किसी की बाप की जागी रखी खाली करनी पड़ेगी? खाली तो करनी पड़ेगी भाईजान, क्योंकि अब इस बस्ती का मालिक चतुर सिंह है। लक्ष्मी दास जी ने बस्ती बेच दी और नोटिस पढ़कर हम लोग आए हैं। अरे बाहर में क्या वो नोटिस और बाहर में क्या चतुर सिंह? मैं भी नोटिस फाड़ के चतुर सिंह की। तो नहीं अतुल, तुम ऐसा नहीं करोगे, इससे हमारा केस बिगड़ जाएगा। उन लोगों ने अगर कानूनी तौर पर बस्ती हटाने की कोशिश की है तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। चलो मेरे साथ। कानून हर किसी के लिए बना है, लेकिन अदालत की नजर में जो गैर कानूनी है उसके लिए एक जज की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकता। यह स्टे ऑर्डर नामुमकिन है। मगर जज साहब, अगर मेरे पिताजी ने चतुर सिंह को जमीन बेची होती तो कम से कम मुझे मालूम तो होता, उसके कागजात होते मेरे पास। जज साहब, जिस तरह आपने 24 घंटे में कानूनी तौर पर हजारों लोगों को बेघर करने का नोटिस जारी कर दिया, उसी तरह उसे रोकने का भी तो कोई कानून होगा। मिस मेगा, सलाह के लिए वकील होते हैं, जज नहीं। जज का काम है सिर्फ फैसला सुनाना। जानती हूं जज साहब, अच्छी तरह जानती हूं कि इस बार भी आपने पैसे खाकर बड़े होशियारी से शुक्रवार की शाम को यह फैसला सुना दिया। आज सैटरडे है, कल संडे और परसों नवरात्रि की छुट्टी। लेकिन इतना याद रखना जज साहब, ये जो गरीबों की बद्दुआएं और चीखें हैं ना, ये साय नहीं जाती, और जब ऊपर वाला अपना फैसला सुनाएगा तुम भी बच नहीं पाओगे। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं, मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दें, और वो बैठे बैठे तमाशा देखें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर, असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ इधर आ। ये देख, ये है असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ।
एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने, जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने, देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ, कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई, हिंदू आई है? ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, ये हिंदू था, इनको काय को नहीं काटा? इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला, कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टखले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में? गणपति बाप्पा मोरिया, काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ले अला आला सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व आला अले सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है? प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये हमदर्दी जता रहे हैं, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले बनने पे छपी हो। दो गुल खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग आई है। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नौ चल बे, ए नौ चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे देश में, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। सलाम अलैकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। जो बे उजड़े चमन सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया? लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो चार बचे ना वो भी उखाड़ दूंगा। प्रताप, बीड़ी जो ये साला, एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले पूरा डाल ले, सवारे का माल से ले। लाख लाख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया, है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना।
जा अपनी माँ को खाना खिला जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ मुझे। चल जा हरम जाती, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो, छोड़ो मुझे। डाल दो साले जिप में। माँ मेरी माँ को बचा लो। बचाओ, बचाओ। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को। अरे क्यों है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्य बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली बाइक? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ोगी तुम लोगों को, कमीने कुत्ते। बहुत तंग किया तूने मुझे, मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे छोड़, अरे मुझे बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़ोगे? कहाँ जाऊँगा? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना सलाह, तुम्हारी वजह से बिगड़ा।